आर्टिकल 370 की जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी वो अब पूरी हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज अपडेट क्या है, तो कौन सी ऐसी तारीख है जब इसका फैसला सुनाया जाएगा, और फैसले जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसे फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। मैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी ज्वाइन कर चुके हैं इस लाइन में। सनी बताइएगा, आज आखिरी जो हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर, उसमें क्या कुछ खास रहा? प्रियंका जी, अगर बात करें 370 को लेकर, लंबे अरसे से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। जब 2019 को 5 अगस्त को ये जो बड़ा फैसला लिया गया, हिंदुस्तान के संविधान को कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए एक फैसला था, एक आम इन नागरिकों पे ये एक कह सकते हैं कि अचानक लिया हुआ एक फैसला था। लेकिन इस बीच कई ऐसे दल थे जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ सोशली ऑर्गेनाइजेशन थी, जो लगातार इसका विरोध कर रही थी और लंबे अरसे से एक गुहार कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में ये 370 को लेकर कोई कह सकते हैं कि कोई निर्णय, इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाए। लेकिन लंबे अरसे से इसकी सुनवाई पेंडिंग थी, जिसको लेकर, जिसके बाद पिछले 16 दिनों से इसकी तमाम दलीलें कई कह सकते हैं कि कई वकील, जाने माने वकीलों ने इसकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी और इसको लेकर कई तथ्य सामने आए। कह सकते हैं कि पिछले 70 वर्षों से आर्टिकल 370 को लेकर कई ऐसे भ्रम भी बनाए गए, कई ऐसी बातें भी कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो 16 दिन की हेयरिंग्स हुई हैं और इसमें जो निर्णय लिए गए हैं और जो कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये क्लेरिफिकेशन हुई है कि 370 आखिर क्या था और इस पे एक आम इंसान पे इसका क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। विशेष तौर पर अगर बात करें 370 को लेकर, एक मान्यता ये भी बनाई गई थी कि जम्मू कश्मीर में ये एक अलग ही देश, एक अलग ही देश की स्थापति करता है। लेकिन जो डीवाई चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये तमाम दलीलें सुनी गई और पिछले 16 दिन से लगातार ये दलीलें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करेंगी, क्या 370 की वापसी यहाँ पर होगी या नहीं होगी। कई जाने माने वकील, जिसमें कपिल सिब्बल जी थे, उसमें आप बता दें कि गोपाल सुब्रमण्यम थे और धवन जैसे कई बड़े बड़े नामी वकीलों ने 370 के विरोध के हटाने के विरोध में याचिकाएं दायर की और कई ऐसे तथ्य रखे जिसपे सरकार का घेराव भी हुआ और मजबूरी में कह सकते हैं कि 370 को हटाने के बाद जो स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्य से छीन लिया गया और 2 केंद्र शासित राज्यों में इसे विभाजित कर दिया गया, उस पर भी सरकार से जवाब मांगा गया। ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला था और बड़ा एक पटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब इसको पूरा सुन लिया गया है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई डेट तय करके इस पे पूरा फैसला सुनाने वाली है। प्रियंका, आज जो आखिरी हेयरिंग थी, क्या कुछ दलीलें की गई, क्या जवाब जो है दिया गया इस हवाले से, और आज की हेयरिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, आखिरी थी, तो क्या कुछ दलीलें सामने आई? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें पिछले 16 दिन से कई दलीलें दायर की गई, कल भी आप देख सकते हैं कि एक बड़े नेता को यहाँ पे फटकार लगाई गई कि वह भारतीय संविधान पर क्या निष्ठा रखते हैं, अगर उन्होंने निष्ठा रखते हैं तो उनकी तरफ से क्यों विधानसभा में नारे लगाए गए भारत विरोधी, उस पर भी जवाब मांगा गया था। लेकिन आज जो है तमाम दलीलों का एक कंक्लूजन कह सकते हैं, उसको लेकर सरकार ने सुना है। आने वाले 3 दिनों में सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई जो भी याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो कोई अपना हल्फनामा या कोई दलील पेश करना चाहते हैं तो 3 दिन में वो लिखित दलील पेश कर सकते हैं, लेकिन दलील 2 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कह सकते हैं कि कंक्लूडेड था इस सभी फैसले को, कह सकते हैं कि सरकार ने पूरी तरह से सुना और इसको सुरक्षित रख दिया है और आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट के जो कह सकते हैं 5 जजों की वो
समिति ही बता सकती है। डीवाई चंद्रचूड़ एक कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में ये तमाम दलीलों को सुना गया और आने वाले दिनों में कई लोग इससे उम्मीद लगाए हुए हैं और उम्मीद है कि लोगों को कुछ इसका सकारात्मक हल भी आने वाले दिनों में दिखता हुआ नजर आएगा। प्रियंका बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से सनी बता रहे थे कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हो सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए, अब क्या कुछ डिसीजन होगा, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हेयरिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब फैसले को सुरक्षित रखा गया है और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे।